और चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया तुम्हारा तुम्हारा बहुत बढ़िया है। पता नहीं यार क्या हो गया चैनल के साथ ना लोग कमेंट कर पा रहे हैं ना रीच आ रही है। मतलब शुरुआत के एक घंटे व्यूज आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। मैं कह रात के एक घंटे बाद करते क्यों, मचाने के लिए मिल गया क्या कोई? तो ऑनलाइन क्यों नहीं मचा रहे तुम साले? स्पेस में तीन तीन चार चार बजे तक बुला रहे मुझे, मेरा मूड खराब है। मैं बोल रहा हूँ मेरा मूड खराब। अरे कोई गाली, अरे गाली था मतलब ही क्या मेरे को? मेरे को तुम्हें लगता है मेरे को गाली से फर्क पड़ता है? इतनी गाली खाई है मैंने 7 साल में, जितनी मैंने जिंदगी में ना खाई है उतनी यहाँ पे खा चुका हूँ। साले ठरक का बादशाह हूँ मैं। कल की वीडियो इतनी सही थी भाई साहब। भाई साहब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था ना मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने इतनी गंदी ले ली है। वो तो जब बाद में मेरे को लोगों ने बोला कि भाई ये ज़्यादा हो गया, फिर मेरे को दोबारा देखना पड़ा मैं सच में ज़्यादा हो गया क्या। अरे मैं लेने को ले लूँ, कह के ले लूँ, जिसकी चाहे उसकी ले लूँ, शब्दों से उल्टा मत समझना ठरकियो। पॉइंट इज लोग ऑफेंड हो जाते हैं यार, उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे मैं मजे ले रहा हूँ और कहाँ पे मैं इंसल्ट कर रहा हूँ। मैं मजे लेता हूँ, इंसल्ट करना मेरी चाहत नहीं है और ना मैं वो सोचता हूँ। चल झूठा, तुमने चार बातें बोली मजाक में बोली, मैंने चार बातें बोली मजाक में बोली। इसे अगर कोई दिल पे ले रहा है तो सिंपल जवाब मेरा आज भी वही है, मुंह में ले ले, खाएगा केला। अब्बा नहीं मानेंगे। बाकी तुम पूछोगे मेरा अच्छा क्यों नहीं है, मेरा अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि कल मेरे साथ धोखा हो गया। कल क्या, मेरे को अभी पता चला मेरे साथ कल धोखा हो गया। कल मैं ट्विटर पर टाइमलाइन पे ऐसे कर रहा था बंटाई बंटाई बंटाई, तो मेरे को एक क्लिप दिखती। क्लिप दिखी कौन सी, कि कोई नया शो आ रहा है रैप का। मैं एक्साइटेड हो गया, मैं बढ़िया बंटाई जज है, आज का वीडियो का टॉपिक फिक्स्ड। मैं एक्साइटेड था, मैंने ढूंढा ही नहीं टॉपिक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं, मैंने ढूंढा ही नहीं। मैं डाल देंगे टाइटल एमी बंटाई एज अ जज ऑफ अ रियलिटी शो, अपने आप आ जाएंगे 10 व्यूज। बट फिर जब मैं गया ना देखने, मुझे पता चला ये 2 साल पुराना शो है जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं। मैं कहा ये कैसे हो गया? साला रेड बुल स्पॉटलाइट करके शो है, रेड बुल स्पॉन्सर है, तुम समझ रहे हो? रेड बुल सालों ने गंदा पैसा बहाया है और हमें पता ही नहीं। मेरा अपना बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं, मैं नवाब नहीं हूं, मुझे पता भी नहीं है ये शो आके चला भी गया, मुझे क्यों नहीं पता? सालों ने मार्केटिंग की थी कि नहीं की थी? मैं नहीं बताऊंगा। और भाई क्या नाम है शो में, ब्रदर वी सेज ऑन द बीट सीधे मौत, और कौन थे, और भी 2-4 नाम थे यार, इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट का, मतलब डीएमसी यहाँ पे भी है। मैं हसल वाले धोखा दे रही है तुमको, भगाओ इसको, छोड़ दे, मेरे ऊपर स्टोरी मत डालना, मैं रैप बना देता हूँ फिर। याद है मियां खलीफा, मैं बना देता हूँ, और वो लिखते वक्त मैं सोचता भी नहीं हूँ। अरे वो शो खत्म भी हो गया, उसका विनर भी है। मैं उसका प्रोमो देखने गया तब मुझे दिखा डेट 2021, और मेरे को लगा ये डील ज्यादा बेटर है यार, जो फॉर्मेट है, जिस वे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो आर्टिस्ट है, स्पेशली सेज ऑन द बीट है उसमें, मैं कहा ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। हसल तो अब मेरे को पोटेंशियल लगने लग गया है, बट ये मेरे को लग रहा था कि बहुत पोटेंशियल है, इसको तो बनना चाहिए सीक्वल। बट अगर सही फॉर्मेट के साथ सही मार्केटिंग नहीं करोगे तो 2 साल बाद यही बोलेंगे लोग कि ये कब हुआ। बात तो सही है। मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हो गया था क्योंकि मेरे पास 0 नॉलेज, मैं एक्साइटेड हो गया। अब मेरी सारी एक्साइटमेंट, सारे सपने आज की वीडियो पे मुद दिया मैंने खुद ही, क्योंकि कल डेट देख लेता था क्या जाता मेरा। हाँ तो बंटाई की पब्लिक इतना ही था, सॉरी टू डिसअपॉइंट, कल मैंने ये पोस्ट कर दिया, कुछ लोगों ने एक्चुअली मेरे को कमेंट किया, थैंक यू ये हाईलाइट करने के लिए। अरे मेरे को खुद नहीं मालूम था यार ये पुराना है, मेरे को लगा आने वाला है अपकमिंग शो है। भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है शो के साथ, मैं पता करूंगा, अगर मुझे पता चला तो मैं बताऊंगा। बाकी आज क्या बात करेंगे हम, आज हम करेंगे ड्यूटीज के बारे में बात। टाइटल बनाना था बंटाई के ऊपर, बना दिया मैंने, ठीक है मेरे को पोस्ट दिख गए, मैं उस पर बना दूंगा, थैंक यू चीमा। अरे मतलब पहले ना कृष्णा के फैंस ने एक पोस्ट बनाई कि जो बंटाई पब्लिक है उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, तो आओ अपनी ड्यूटीज़ जो तुम्हें भी नहीं मालूम मुझे भी नहीं मालूम, बट फिर भी हम पढ़ेंगे, हमारा फ़र्ज़ क्या है एज अ बंटाई की पब्लिक, हमारा फ़र्ज़ क्या होना चाहिए। ओके सो पहला फ़र्ज़ क्या है हमारा, एमी वे को कुछ भी करके डिफेंड करो। अब यार अगर कोई तुम्हें पसंद करता है चाहे वो गलती क्यों ना करो, अगर तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर है जिसने तुम्हें मालूम है कुछ गड़बड़ की भी नहीं है या की है या डाउटफुल है, तो बाहर वाले का सपोर्ट थोड़ी करेगा, अपने का ही करेगा ना, बंटाई अपना है, हम करेंगे ये ड्यूटी, हम सब निभा रहे हैं, निभा रहे तो लीव अ लाइक करेंगे, कमेंट बोलेंगे कर रहे हैं। कौन कौन कितनी ड्यूटी करता बता देना है मेरे को, जेन्युइनली पूछ रहा हूं मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। ड्यूटी नंबर 2, पिंकी की, सॉरी कृष्णा की फोकस में जाके पिंकी लिखो। यार ये तो मैंने नहीं किया आज तक, तुम में से कितने लोगों ने किया? मैंने एक बार की है, और मैंने कृष्णा की पोस्ट पे तो गया भी नहीं, कृष्णा को शायद मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, बट ट्विटर पे किसी ने कुछ लिखा था बंटाई के लिए, या मैंने कुछ पोस्ट किया था उसको मैंने आरटी किया था, जहाँ पे मैंने पिंकी लिखा था, और पिंकी में मैंने आई डाला था पहले बट फिर मैंने वाई कर दिया था, तो मैंने एक बार किया। तुम में से कितने लोग कर रहे हैं? देखो गाली देनी है ना तो अपने टाइम लाइन में दो,
उसके पेज पर जाके देने की जरूरत नहीं है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ड्यूटी नंबर 3, ट्विटर पे बंटा एक का ट्रेंड बनाओ। तो एक काम कर बेटा, मैं अपने यूजर आईडी प्रोफाइल तेरे को ही दे देता हूँ, ठीक है? मेरा पेज, मेरी टाइमलाइन, मेरे हाथ, मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट नहीं कर सकता। अबे तू अनफॉलो कर देना, नहीं पहुंचेगा। और अगर गलती से फिर भी पहुंच रहा है तो ब्लॉक कर दे, म्यूट कर दे, हजारों ऑप्शन है। ये तो ड्यूटी भी नहीं, ये तो पर्सनल स्पेस है मेरा, इससे क्या प्रॉब्लम हो रखी है? बट ठीक है छोड़ो, बोलने वाले कुछ तो बोलेंगे। ड्यूटी नंबर 4, राजू इनोसेंट के ट्वीट फॉलो करो। हैं? मैं बस एक राजू को जानता हूँ, हेरा फेरी से। ये राजू इनोसेंट कौन है? क्योंकि राजू है तो इनोसेंट नहीं हो सकता। कौन है ये राजू इनोसेंट? है बे बंटे की पब्लिक, तुम में से कितनों को मालूम है ये राजू हरामी इनोसेंट कौन है? एक्चुअली अगर कोई प्रोफाइल हुई, बुरा मत मानना, मैं मजे ले रहा हूँ बस। सच में कौन है यार राजू? वे राजू प्यार ना करियो वरना ड्यूटीज बन जाती है। ड्यूटी नंबर 5, कलमकार को गाली दो। कौन कलमकार है? वो बहन का लड़का कलमकार। कलमकार में आर्टिस्ट कितने, मेरे को तो आज तक यही सवाल है। मैं तो कलमकार को देखता भी नहीं। थोड़ा सपोर्ट मिंटा हिटजोन और हेलक को भी दो। यंग गालिब का है भाई साहब? हैं? यंग गालिब का है? का है यंग गालिब? भाई साहब यंग गालिब की एक बात तो मेरे को सबसे सही लगती है। मिंटा तो चलो फ्रेंडशिप में हम पहले से ही जान देते, यंग गालिब अपनी पर्सनैलिटी बना के घूमता है। इवन हेलक भी, यार क्या बात कर रहा तू, कहाँ बनता है में लपेट रहे इन सबको। इन सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। कलमकार को गाली देनी हो तो कलमकार ही गाली खा रहा है, उसके आर्टिस्ट कम है। और आर्टिस्ट में गिनने वाले सिर्फ 2 या 3 ही है ना जो गाली खाते हैं, क्योंकि वो आए हैं सामने ग्रुप लेके। अब ग्रुप फैक्स थोड़ी चल रहा है कि एक ही को पे लेंगे, बाकी सब देखते रहेंगे, सब मिलोगे ना। ये तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम अभी बहुत यंग हो, जाके पोगो देखो, गजब बेइज्जती है। तो इसके रिस्पॉन्स में बंटा की पब्लिक से भी जवाब आया कि कृष्णा के लिए फैंस की क्या ड्यूटी है। सो मैं सोच रहा हूँ बंटा की पब्लिक को इतनी गाली पड़ रही है तो कृष्णा की पब्लिक की साइड भी जाननी चाहिए मुझे, या उनके लिए उनकी ड्यूटी क्या होती है। कृष्णा के फैंस की ड्यूटी नंबर 1, कृष्णा की फोटो देख के 3 बार हिलाए। ये फॉर्म कहाँ मिलता है भरने के लिए? कृष्णा की फोटो देख के 3 बार हिलाए। अबे मैं क्या बोलूँ, ये डायलॉग ही फनी है। लौंडे को देख के क्यों हिलाऊंगा मैं? ये तुम बेफालतू में कृष्णा के फैन बदनाम करो, ये ड्यूटी का पार्ट हटाओ पहले। वो नहीं हो पाएगा। कृष्णा के फैंस की ड्यूटी नंबर 2, कृष्णा जिस भी लड़की के साथ दिखे उस पोस्ट के नीचे पागलों की तरह कृष्णा की GF लिख दो। यार ये तो हम सब कई करते हैं, मेरे को लगता है ना फैन वॉर्स भी नहीं होनी चाहिए। मैं भी किसी भी लड़की के साथ फोटो खिंचवा के डाल दूंगा, साले साल सीढ़ हो जाते, बंदी तेरे को भी मिल गई भैया, चलना साले। तुम्हें तुम्हारी तरह बना ही रहा हूँ, 3 बार हिलाता रहूँ एक बंदे को देख के, मेरे को मचाना है बे। अब तो बंटा ही भी बोलता है मचाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है कृष्णा? फैंस और आवाम के लिए नेक्स्ट ड्यूटी, बंटाए को यूट्यूबर बोलो और कृष्णा के साथ कम्पीट करो। सारे यूट्यूबर्स रैपर नहीं, बट सारे रैपर्स टेक्निकली यूट्यूबर्स हैं। ट्रू स्टोरी ब्रो। अरे कंटेंट डाल तो यूट्यूब पे ही रहे हैं ना, और प्रमोट अगर स्पॉटिफाई करना है वो भी यूट्यूब से ही कर रहे हैं। अगर बाकी मेरे को कोई क्लेम कर दे कि उनका मोस्ट ऑफ रेवेन्यू स्पॉटिफाई से जो आ रहा है, या स्पॉटिफाई से भी चंदी आता है, बट अगर उनका रेवेन्यू ट्विटर से आ रहा है या फेसबुक से ज़्यादा जनता जा रही है, ये तो मैं मानने वाला नहीं। मुझे स्टैट्स दिखा दो, नंबर्स दिखा दो, मेरे को नहीं लगता उनके पास नंबर्स हैं। YouTube से ही आ रहा है, YouTube से ही प्रमोट कर रहे हैं। इवन अभी आकाश गुप्ता का एक स्पेशल आने वाला है 60 मिनट का, कुछ दिनों में। 300 रुपये की फीस है, वो भी YouTube पे ही प्रमोट कर रहा है, और उस पर भी बोल रहा है कि हाँ प्रीमियम मेंबरशिप की तरह देख लो इसे। तो YouTube है, यूट्यूबर्स ही हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, रैपर हो, प्रोड्यूसर हो, म्यूजिक डालते हैं ना। अगर तुम डाल रहे हो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, रीच मिल जाएगी तुम्हें, बट बाकी सब भी तो है ना। प्रमोशन तुम यूट्यूब से ही ज़्यादा ऑडियंस गेन कर सकते हो, ये भी सच है, फैक्ट है। तो ये पूरा फुद्दू टॉपिक है। कृष्णा की ड्यूटी ज़्यादा फुद्दू नहीं लग रही तुम लोगों को? साले तुमने क्या इसको बिज्जत करने के लिए बताया ये चीज़? रेशमा गुलाटी की प्लेलिस्ट डेली लूप पे बजाओ। कौन है रेशमा? रेशमा, ए रेशमा कहाँ हो रे? गुलाटिया मार रही हो का? प्लेलिस्ट दो बे, ज्वाइन करना है, फॉर्म तुमसे ही लेना है का? कर्मा बादशाह अवतार टेररिस्ट पंजाबी सिंगर सबको डिफेंड करो। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं आज के वीडियो। आए मेरे को बोलना ही नहीं इस वाले पे कुछ भी। मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। मैं बंटाई के साथ खुश हूँ, बंटाई के साथ मैं खुश नहीं हूँ। मेरा वैसा तुम लोग भाई भाई वाला रिश्ता थरकी हो तुम, गंदा सोचते हो साले तुम, पता नहीं कौन सी ऑडियंस हो तुम भाई। हम गमला आर्मी है, लीव अ लाइक। मैं कल मिलता हूँ, पीस आउट।